हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 वर्ण विचार को जानेंगे। हम जब बोलते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों को शब्दों से बनाया जाता है तथा शब्दों को बनाने के लिए वर्णों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने पिछले अध्याय में जाना कि भाषा को लिखित रूप लिपि द्वारा दिया जाता है। लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह बनाए जाते हैं। ये विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। अतः हम वर्ण की परिभाषा निम्न रूप दे सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, क, न, प आदि। आइए अब हम वर्णमाला को जानें। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण के प्रकार। मानक वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार मानक वर्णमाला के अनुसार वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोग वर्ण। आइए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा के कुल 11 स्वर है, जो निम्नलिखित है। अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहेंगे। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार हर्ष स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। द्वितीय दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक 2 गुना समय लगता है। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अंत में प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। इसे प्रकट करने के लिए स्वर के आगे अंग्रेजी अक्षर के एस का चिन्ह अंकित करते हैं, जैसे ओम। अभी आप स्वरों के भेद को जाना। आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में इन सभी का परिभाषा लिखें एवं याद करें। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक 2 गुना समय लगता है, ये 7 है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। इसे प्रकट करने के लिए स्वर के आगे अंग्रेजी अक्षर के एस का चिन्ह अंकित करते हैं, जैसे ओम। अब आपको इन सभी का परिभाषा को लिखें एवं याद करें। अगले वीडियो में हम व्यंजन वर्ण एवं अयोग वाह के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।